सो हेलो दोस्तों, नमस्कार। इन्वेस्टमेंट क्लासेस में आप लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे तीन मल्टी बगर पेनी स्टॉक के बारे में। तीनों स्टॉक अगर आप लोगों के पास है तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जो लोग फ्रेज बाइंग करना चाहते हैं, प्लीज़ फ्रेज बाइंग करने से पहले आप इस वीडियो को ज़रूर देख लेना। तो शुरुआत करेंगे दोस्तों बीकर स्लाइड के लिमिटेड में। इसने ओपनिंग तो अच्छी खासी की, गैप डाउन, फिर अच्छे खासे बाइंग भी के सर्किट लगने की कोशिश की। बाजार में प्रेशर होने की वजह से आज हमें इसमें भी लगभग 1.5% करेक्शन देखने को मिल रहा है। एक साल वाले के पास मतलब अभी भी मल्टी बैगर रिटर्न आप बोल सकते हो, क्योंकि अब किसी भी ब्लू चिप, किसी भी लार्ज कैप कंपनी को ले लो, वो एक साल में इस टाइम पे अक्टूबर से लेके जो बाजार में करेक्शन है वो नेगेटिव में रिटर्न दे रहे हैं। जबकि ऐसे पेनी स्टॉक, इतने पेनी स्टॉक उनके बाद भी आपको 70% रिटर्न दे रहे हैं, जो कि इसे आप कमाल रिटर्न बोल सकते हो। मैक्सिमम ग्राफ में आपको बार बार जब भी इसको कवर करते हो बार बार इसलिए दिखाता हूँ क्योंकि जिन्होंने टॉप पे बाई किया, कोई ऐसे वैसे स्टॉक नहीं है। 3 रुपये से स्टार्टेड हुए थे, 70 रुपीज प्लस गए थे, तो जिन्होंने किसी ने टॉप पे तो जरूर बाय किया होगा, क्योंकि स्टॉक ऐसे स्टॉक सर्किट में चलता है। तो अगर आपने बाय किया तो होल्ड करना दोस्तों, होल्ड करोगे तो आपको 1 रुपये के स्टॉक भी 100 रुपये भी इजीली चला जाएगा। तो कंपनी कोई ख़राब नहीं है, इस बार के रिजल्ट भी अच्छे, कंपनी के बैलेंस शीट भी सुधारे और मैनेजमेंट ने बोल भी दिया कि कंपनी को प्योर डेट फ्री करने वाला है, क्योंकि कंपनी को अच्छी तरह पता है कि उनको बिजनेस करना है। ये अच्छी तरह से पता है, कंपनी एग्रेसिवली काम कर रहा है और 0 डेट फ्री कर भी देगा और कंपनी के रिजल्ट भी धीरे धीरे सुधार हो रहा है। तो टॉप पे मांगे होल्ड करना, एक बार में बहुत ज़्यादा निवेश कर दिया तो आपको एक्युमुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप बिंदास होल्ड करना। ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, 8 रुपये को ब्रेक कर दिया, बाजार में करेक्शन है, आप देख पाओगे इस इतने करेक्शन होने के बाद भी इसमें करेक्शन नहीं हो रहा है, ये बार बार सर्किट लगने की कोशिश कर रहा है। अगर 8 रुपये को ब्रेक कर दिया तो 10 रुपये, 10 रुपये को ब्रेक कर दिया तो 30 रुपये भी आपको देखने को इजीली मिल सकता है। तो अगर विकास लाइव कर रहे हैं आपके पास टॉप पे तो बिंदास होल्ड करना। फ्रेश बाइक के लिए मैं जरूर बताऊंगा, तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहना। देन विकास इकोटेक लिमिटेड, विकास इकोटेक लिमिटेड में आज के दिन 2% की गिरावट। इतने रिटर्न देने के बाद स्टॉक ने फाइनली करेक्शन दिखा चुका है, लगभग एक महीने में 15-16% के करेक्शन, जो कि एक नॉर्मल सी बात है। वो नॉर्मल सी इसलिए आप देख पा रहे हो, 6 मंथ वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं है, 6 मंथ में अभी भी स्टॉक 70% रिटर्न दे रहा है, और एक साल वाले को देख पा रहे 130%, इतने करेक्ट होने के बाद भी। और आपको पता है कंसोलिडेट जोन था स्टॉक, फिर बाजार में करेक्शन है, स्टॉक एक ब्रेकआउट हो गया। तो ब्रेकआउट का मतलब ये नहीं कि स्टॉक सीधे नीचे जाएगा, ये फिर आप आएगा। ऐसा नहीं होगा कि स्टॉक भागता रहेगा 100%, फिर 200, फिर 300, फिर 1000-2000, ऐसा कभी नहीं होगा। स्टॉक भागेगा, फिर कंसोलिडेट करेगा, फिर नीचे आएगा प्रॉफिट बुकिंग के लिए, फिर स्टॉक भागेगा। तो ये चीज़ें आप लोग को पता होना चाहिए। फिर भी अभी भी एक साल वाले के पास बहुत सारे चॉइस है, बहुत ही मल्टी वगैरह रिटर्न है। अगर विकास इक्विटी भी लिमिट है किसी भी टॉप पे बैंक हाल ही में 4 रुपीज़ के आसपास, तो होल्ड करना, ये लेवल तोड़ के भी आपको कमाल रिटर्न देगा। इसके इस बार के रिजल्ट भी अच्छा है। फ्रेश बैंक के लिए मैं जरूर बताऊंगा, प्लीज वीडियो में बने रहना। देन आखिरी लास्ट स्टॉक है, बहुत ही फेमस स्टॉक बन चुके थे बीच में, ट्राइडेंट लिमिटेड। तो इसमें आज के दिन 1% की गिरावट, और सबसे बड़ी अच्छी पॉइंट ये है दोस्तों, आप देख पाएंगे एक साल में कितने 171%। तो सबसे बड़ी सीखने वाली पॉइंट है ये कंसोलिडेट जोन, नंबर 2 बार खराब आया लगातार फिर भी करेक्ट नहीं हुआ। अब कुछ लोगों को ऐसा लगा कैसी बात कर रहे हो सर, स्टॉक 71 रुपीज़ के स्टॉक 50 के नीचे आ चुका, 45 रुपीज़, लगभग 30-35% करेक्ट हो चुका है। दोस्तों जिस हिसाब से बाजार में करेक्शन हो रहा है, जिस हिसाब से लास्ट के कंपनी जिन्होंने एक एक साल में सिर्फ 10-10% रिटर्न दिया, वो भी नेगेटिव में रिटर्न दे रहे, और ऐसे स्टॉक एक एक साल में 200% रिटर्न देने के बाद भी स्टॉक में करेक्शन नहीं हुआ, ये बहुत अच्छे साइन है। मतलब हर कोई इसमें प्रॉफिट बुकिंग नहीं करना चाहता है, वो चाहता है कि स्टॉक आगे जाकर और मल्टी बैगर बनेगा, और बन भी चुका है। तो मैं इतना कह चुका ये बहुत ही अच्छे साइन है, मतलब जिनके पास भी है तो कमाल के गुड न्यूज़, आप ऐसा गुड न्यूज़ बोल सकते हो, क्योंकि इतने करेक्ट होने के बाद भी स्टॉक कभी भी नीचे नहीं आ रहे। 5 साल में देख पाओगे 450% से ज़्यादा के रिटर्न स्टॉक, मैंने आपको बताया कि कंसोलिडेट जोन में, जो कि अच्छे साइन है। आप बातें फ्रेश बाइक ले, जिनके पास भी टॉप पे भी होल्ड करना, लॉस में बेचने की सलाह तो मैं इस पे तो नहीं दूंगा, बाकी दोनों में दे सकता हूँ, मैं विकास इकोटेक में दे सकता हूँ, विकास लाइफ के थोड़ा दे सकता हूँ, लेकिन इस पे तो नहीं। ये अच्छी कंपनी, लार्ज कैप कंपनी में तब्दील हो चुका है, आपको ये कंसोलिडेट जोन अच्छा है, भागेगा रॉकेट की तरह, फिर आपको ये 100 रुपीज़ देखने को जरूर मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए टाइम आना चाहिए, ऐसा नहीं आपने देखा होगा कुछ टाइम बहुत होल्डिंग किया फिर 2021 में ये स्टॉक ऐसे रॉकेट की तरह भागा, तो टाइम देना चाहिए, इस 100 रुपये के देखने को आपको जरूर मिलेगा। अब आते हैं फ्रेश बैंक के लिए दोस्तों, फ्रेश बैंक के लिए मैं इतना कहना चाहूँगा, ट्राइडेंट के साथ और विकास लाइफ के साथ आप जा सकते हो, लेकिन खुद से वो स्टडी करना, मैं सारी चीज़ें एजुकेशन पर्पस के लिए बोल रहा हूँ, और मिनिमम अमाउंट जितना आप रिस्क लेना चाहते हो। पहला, ट्राइडेंट लिमिटेड में आप जा सकते हो, लेकिन अगर आप 100 स्टॉक लेना है, मतलब 4,500 लगा रहे हैं, तो अभी आप 30 स्टॉक लेना है, फिर अगर 40 तक आता है फिर आपको और 30-40 स्टॉक लेना है, फिर अगर 36 तक आता है 38, तब आपको बाकी पैसे लगाने, मतलब टोटल 100 स्टॉक लेने, ऐसे लेने 3 या 4 लॉट में लेना है, ये तो आपको समझ में आएगा। टॉप पे बाएंगे, एक बार में लमसम अमाउंट बाय किया तो एकोमोडेट नहीं करना है, होल्ड करना है। आपको लेवल जब भागेगा सर्किट पे सर्किट आपने देखा होगा, आपके लेवल तोड़ के भी ये 100 रुपये भी इजीली चलाएगा। और विकास लाइफ केयर में मैं इतना कर चुका, फ्रेश बाइंग कर सकते हो अगर आपको लॉट मिलता है, लेकिन वो भी सीखने के लिए, नंबर अच्छा है, मैनेजमेंट ने अच्छा किया, तो इसका मतलब ये नहीं कि जाकर 1-2 लाख लगा दो, सीखने के लिए। अब बस अगर आपके 4 लाख के पोर्टफोलियो है तो आप इसमें 1000 क्वांटिटी ले सकते हो, मतलब 4-5 हज़ार लगा सकते हो अपने रिस्क हिसाब से, आधा भी हो जाए तो आपको फर्क ना पड़े। अगर आपके 1 लाख के पोर्टफोलियो है, मतलब आप अपने रिस्क हिसाब से लगा सकते हो, वो भी आपके फाइनेंशियर के एडवाइस लेके, खुद रिसर्च करके।
मतलब 1,000-2,000 रुपये लगा सकते हो, वो भी आपके कभी ना कभी मल्टीपल बनाएंगे, 30 रुपये भी जाएगा, और क्यों जाएगा वो लॉजिक में आपको बता दिया, और कितना टाइम लग सकता है वो भी मैंने आप लोगों को जरूर बता दिया। सो तो वीडियो इतने, कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और इस वीडियो में कोई पढ़ना चले वैकेंसी भी सोचते मिलते ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।